दोस्तों, संजय राउत को लेकर बहुत बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मुंबई से जो आ रही है, राउत जो कि जेल के अंदर बंद है, उनसे जेल में ही मिलने उद्धव ठाकरे जाने वाले हैं। और इसके लिए एक खास सीक्रेट प्लान भी बनाया गया है, क्योंकि इस बार बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ऐन मौके पर ये सीक्रेट प्लान भी लीक हो गया है, डिकोड हो गया है। हालात तो यहाँ तक हैं कि जेल में जेलर के ऑफिस में ही ये बहुत कुछ करने की प्लानिंग थी, लेकिन बड़ा खुलासा यहाँ पर हो गया। तो क्या है ये पूरा खुलासा? कैसे बना उद्धव ठाकरे का जेल जाने का प्लान? और राउत के साथ मीटिंग में क्या होने वाला है? क्यों जेलर के दफ्तर में किया गया ये प्लान? सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट जरूर करें कि ये कितना सही है और कितना गलत। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो हम लगातार आपको संजय राउत को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं, खबरें भी दे रहे हैं। और इस बीच संजय राउत को लेकर सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अब तक संजय राउत से पीठ पे रखी थी, राउत से मिलने की कोई कोशिश तक नहीं की थी, वही उद्धव ठाकरे अब संजय राउत से मिलने जेल जाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। ऐसा ही कुछ मुंबई में होने जा रहा है, मगर इसमें भी बड़ा ट्विस्ट आ गया है, बड़ा खेल हो गया है और सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो पहले आपको बताते हैं कि अब आखिर प्लान क्या था और क्यों किया गया ये प्लान, और फिर बताएंगे कि लीक क्या हुआ और कैसे हो गया। तो मुंबई में सियासी गलियारों में कई दिनों से लगातार खबरें चल रही थी कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राउत के जेल जाने के बाद सिर्फ एक ही बार राउत के परिवार से मिले और करीब महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी परिवार से न मुलाकात की और न ही कभी उद्धव ठाकरे इस दौरान संजय राउत से ही मिले। अब इस बीच मुंबई से अचानक खबर आई कि उद्धव ठाकरे जेल जाएंगे। जी हाँ, आर्थर रोड जेल जाएंगे और संजय राउत से मुलाकात करेंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि उद्धव ठाकरे की ये कोशिश हो सकती है दिखाने की कि वो संजय राउत के साथ हैं, राउत से इसी वजह से मिलने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही निकला। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इसी हफ्ते उद्धव ठाकरे का संजय राउत से मिलने का प्लान है। और खबरें ये हैं कि संजय राउत से मिलकर उद्धव ठाकरे ये भी पूछ सकते हैं कि उनसे किस किस मामले में पूछताछ की जा रही है, क्या क्या सवाल किए गए थे और अब उनके हालात क्या हैं, यानी कि अब आगे कंडीशन क्या होने जा रही है, और क्या उनका यानी कि उद्धव ठाकरे का नाम जबरदस्ती तो नहीं घसीटा जा रहा। जी हाँ, कहीं संजय राउत पर जबरदस्ती उद्धव ठाकरे का नाम लेने के लिए दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। ये बातें यहाँ पर जाकर उद्धव ठाकरे से पूछ सकते हैं, ऐसी लगातार बातें आ रही हैं, चर्चाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबरें मुंबई से आ रही हैं, ऐसी बातें निकलकर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल के कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे खासे परेशान बताए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया था कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाएंगे और संजय राउत सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें बोल रहे थे। इसके बाद से उद्धव ठाकरे परेशान हैं और हो सकता है इसी वजह से उद्धव ठाकरे को डर भी लगने लगा हो कि कहीं अब संजय राउत के साथ उन्हें भी लपेट न लिया जाए, कहीं उन्हें भी लपेटने के लिए संजय राउत को ही हथियार न बना लिया जाए, क्योंकि राउत तो जेल के अंदर बंद है। और गलती से भी अगर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का कहीं भी कोई नाम लिया तो फिर तो काम तमाम होना तय है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और संजय राउत अगर कुछ बोलेंगे तो उससे उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती है, भले उद्धव ठाकरे ने कोई भी गलत काम किया हो या ना किया हो। अब सूत्रों के मुताबिक यही वजह मानी जा रही थी कि संजय राउत से मिलने उद्धव ठाकरे जेल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब बड़ी खबर ये भी है कि ये मुलाकात जेल में जेलर के ऑफिस में कराने की मांग की जा रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और ये सीक्रेट प्लान भी बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आर्थर रोड जेल के जेलर से कहा गया है कि उनके दफ्तर में संजय राउत और उद्धव ठाकरे की मुलाकात कराई जाए, क्योंकि ठाकरे बाकी कैदियों के साथ या फिर किसी बंदी रक्षक के आसपास रहते हुए भी संजय राउत से मिलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते, और इसीलिए ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे जेलर के ऑफिस में ही संजय राउत से मिलना चाहते हैं। आगे देखिए, अब जब से ये खबरें आई हैं तब से बवाल मचना शुरू हो गया है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शिवसेना की तरफ से अभी तक इस मुलाकात को लेकर, इस बात को लेकर कंफर्म नहीं किया गया है कि उद्धव ठाकरे जेल में जाकर संजय राउत से मिलेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर लगातार चर्चाओं में है, मुंबई में है, लगातार खबरों में तैर रही है। अब सीक्रेट प्लान उद्धव ठाकरे का जेल जाकर संजय राउत से मिलने का था, जेलर के ऑफिस में मुलाकात की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल अब ये सीक्रेट प्लान रहा नहीं, क्योंकि मामला खुल गया है, बाहर आ गया है
और इसमें किस तरह से अब आगे बढ़ा जाएगा, ये मामला फंस गया है और कहीं ऐसा ना हो कि ये मुलाकात ही फंस जाए, जिससे कि संजय राउत की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर संजय राउत के साथ हैं तो ही राउत को भी आगे कहीं राहत मिल सकती है। उद्धव ठाकरे के जरिए ही संजय राउत इस मामले से बच सकते हैं, क्योंकि वो पात्राचाल घोटाले में पूरी तरह से घिरे हुए हैं और दूर दूर तक बचने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। उद्धव ठाकरे ही यहाँ पर हैं जो संजय राउत को बचा सकते हैं। तो फिलहाल तो यही खबर है दोस्तों कि संजय राउत को फिर से पटका लगा है, फिर से झटका लगा है और सीक्रेट प्लान खुल गया है, डिकोड हो गया है और मुलाकात की वजह भी पता चल गई है। तो अब जैसे ही आगे का कुछ पता लगेगा, आगे का अपडेट मिलेगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप भी कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के हाल कितने खराब कहे जाएं, अब ये भी सवाल बन गया है, क्योंकि हालात में एक इंच के बराबर भी राहत नहीं है, बल्कि आफत तो मीटर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ती जा रही है। अब की बार तो जेल पहुंचते ही राउत के साथ जो हुआ, जो फटका पड़ा, वो बहुत बड़ा वाला था। असल में 5 सितंबर को संजय राउत को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। राउत की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का टर्म खत्म हो रहा था और इसी वजह से राउत की पेशी हुई। राउत कोर्ट पहुंचे, राउत के हालात वैसे ही खराब हो चुके थे, चेहरा बिल्कुल पिचका हुआ था, आंखें धसी हुई थी और कोर्ट में संजय राउत के वकील ने जमानत की अर्जी नहीं लगाने की जानकारी दी। हालांकि इसके बाद भी राउत ने राहत मिलने की गुहार लगाई थी, मगर कोर्ट में राउत की एक नहीं सुनी गई और फिर से जेल भेज दिया गया। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। 19 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। अब ये सुनवाई कुछ ही देर हुई, सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास ये सुनवाई हुई और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद राउत को वापस से जेल भेज दिया गया। अब बाकी की औपचारिकताएं निभाने के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास संजय राउत को वापस से आर्थर रोड जेल ले जाया गया, उनकी सेल में उनको पहुंचाया गया। अब जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहां राउत के पहुंचने से पहले ही कई बदलाव हो चुके थे। जी हाँ, संजय राउत की जेल में कई सारे बदलाव थे, कई सुविधाएं या कहें कि कई सारी सहूलियतों को रोक दिया गया था, वापस ले लिया गया था और कुछ को कम कर दिया गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बेडिंग में कंबल और चादर के अलावा एक चटाई भी दी गई थी, जिस पर संजय राउत दिन के वक्त बैठते थे और अपना काम करते थे। अब सूत्रों के मुताबिक वो चटाई संजय राउत से उनकी सेल से वापस ले ली गई है, यानी कि संजय राउत के बेडिंग का एक हिस्सा कम हो गया। यही नहीं, संजय राउत को कागज और पेन भी दिए गए थे और वो भी वापस ले लिए गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर जेल से आ रही है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को कागज और पेन के इस्तेमाल के लिए अब दिन तय कर दिए गए हैं। हालांकि कब कब और कौन से ये दिन होंगे फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक हफ्ते में हर रोज अब कागज और पेन की सुविधा संजय राउत को नहीं दी जा रही है, हफ्ते में कुछ ही दिन ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा संजय राउत को 3 अखबारों का भी एक्सेस दिया गया था। राउत को मराठी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी अखबार भी दिए जा रहे थे, लेकिन इसमें भी कटौती कर दी गई है, एक अखबार कम कर दिया गया है। अब संजय राउत को सूत्रों के मुताबिक सिर्फ एक मराठी अखबार और एक हिंदी अखबार की सुविधा दी जा रही है और राउत को बता दिया गया है कि अब से उन्हें 3 नहीं बल्कि 2 ही अखबार दिए जाएंगे और अंग्रेजी वाला अखबार उनको अब नहीं मिलेगा।